34 वर्षीय युवक राहुल छगन खटके पाटिल भी भिवंडी पश्चिम विधानसभा 136 से चुनाव लड़ने की तैयारी में। गत दिनों पहले भिवंडी पश्चिम विधानसभा से इन्होंने भी नामांकन दाखिल किया। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के भिवंडी पश्चिम विधानसभा के उम्मीदवार को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं पर एक युवक चेहरा जो कि 34 वर्षीय राहुल छगन खटके पाटिल भी भिवंडी पश्चिम विधानसभा से इस चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि टिकट भी फाइनल हो सकता है। दरअसल राहुल छगन पाटिल की बात की जाए तो 13/9/1990 में इनका जन्म हुआ। पूर्व नगर सेवक, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में रहकर काम किया। जिला अध्यक्ष भिवंडी युवक कांग्रेस के 2021 में अपना पदभार संभाला, तो वहीं पर जमीनी स्तर पर पार्टी को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत आधार भी बने। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित डोर टू डोर कार्यक्रम के लिए भारत में प्रथम पुरस्कार भी हासिल किया। 16 दिवसीय यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में युवक कांग्रेस के 100 से भी अधिक कार्यकर्ताओं की अपनी टीम के साथ जोरदार भागीदारी भी ली। बता दें कि राहुल छगन पाटिल 2000 युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में भिवंडी जिला में भारत जोड़ो यात्रा का सफल संचालन भी किया। विशेष तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बात की जाए तो संविधान बचाओ रैली, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, केंद्र सरकार का विरोध, भिवंडी से लेके दिल्ली के गलियारों तक राहुल छगन पाटिल अपनी टीम के साथ में करते हुए दिखाई दिए। पार्टी की सुप्रीमो का आदेश का पालन तत्पर रहकर राहुल छगन खटके पाटिल करते हुए नजर आए। इस बीच बता दें कि सूत्रों के हवालों से ये खबर आई है कि राहुल छगन पाटिल जो कि हाल ही में भी दिल्ली में हैं, बता दें कि विधानसभा 136 से ये उम्मीदवारी का अपना नामांकन दाखिल किए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि राहुल छगन पाटिल का टिकट कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फाइनल भी हो जाएगा।